नहीं मिल रहा किसानों के मेहनत का सही दाम, बोले किसान हमें सुसाइड करने की अनुमति दे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसानों ने केंद्र की सरकार से आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि राज्य में प्याज की कम कीमतों के कारण उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्याज की कीमतों के कारण कई कठिनाइयों का सामना करने की शिकायत की है और आरोप लगाया है कि उनके लिए अपनी उपज बेचने के बाद भी उनको अपनी लागत राशि भी वसूल करना मुश्किल हो गया है। एक किसान ने कहा, मंडी में प्याज 300-400 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। मैंने पहले ही 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, मैं अब 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाऊंगा। तो वहीं दूसरे किसान का कहना है कि हमें नहीं पता कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। मोदी सरकार को किसानों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार को हमारी सबसे कम चिंता है, किसान ने कहा। हम अपनी फसलों के उचित मूल्य पाने के हकदार हैं, वरना सरकार को हमें आत्महत्या करने की अनुमति देनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों के लिए 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो जिंदा रहकर ही क्या करेंगे। वहीं एक महिला किसानों ने भी प्याज के दामों पर निराशा जताते हुए कहा, हमारे पास 1 एकड़ क्षेत्र में प्याज है, मैंने सोना गिरवी रखकर प्याज उगाया है। मेरा कुल खर्चा 50,000 रुपए था और जब मैं बाजार गई तो मुझे 20-25,000 रुपए भी नहीं मिल पाए। केंद्र सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, महिला ने कहा। केंद्र को कीमतें बढ़ानी चाहिए। हम अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर सकते। हम प्याज उगाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें सही कीमत नहीं मिल रही है। हम अपने जीवन को समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। एक अन्य पुरुष किसान ने कहा, हमने 3-4 महीने पहले प्याज की बिक्री की तैयारी शुरू कर दी थी। अब जब हम बाजार जाते हैं तो हमें केवल 300-400 रुपए मिल रहे हैं। किसानों ने जमीन पर लगभग 50-60,000 रुपए खर्च किए हैं। हमें केवल एक ट्रक पर 10-11,000 रुपए मिल रहे हैं। कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम केवल नुकसान उठा रहे हैं। किसान ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल कार्रवाई करे या हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।